ग्लास देख सकते हो, एक एक ग्लास भाई साहब 4,500 रुपए का ग्लास है भाई। अभी हम लोग सबसे डिमांडिंग सेक्शन के अंदर आए हैं और प्रशांत लेकर आया है मेरे को भाई यहाँ पे, और ये दारू का सेक्शन है। तो कैसे हो आप सब, तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए इस व्लॉग के अंदर। और अभी मैं मॉस्को सिटी के अंदर हूँ और मैं जिस जगह पे हूँ ना यार, सेंटर्स और चीज़ों के लिए फेमस है। तो मैं आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रशिया कितना एक्सपेंसिव है और मॉस्को में लिविंग ऑफ कॉस्ट चीज़ें में क्या होती हैं, किस तरीके से जो सामान हम खरीदते हैं वो कितना एक्सपेंसिव होता है एंड कितना पैसा चाहिए होता है मॉस्को में अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में हमारे जो साथी हैं वो हैं प्रशांत। हाय गाइस, प्रशांत मेरा फ्रेंड है एंड हम लोग एक दूसरे को कम से कम एक साल से जानते हैं ना प्रशांत? लगभग एक साल हो। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी साथ में मिल नहीं पाए, बात हमेशा फोन पे होती थी। तो बेसिकली प्रशांत को मैंने आज वीडियो में इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि प्रशांत मॉस्को में ही रहता है और आप सब जानते हो मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहता हूँ, तो प्रशांत से अच्छा कोई जगह ये सब जानता नहीं है। इसलिए प्रशांत से मैंने टाइम लिया और आज हम लोग बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको पूरा मॉस्को सिटी का टूर देंगे एंड डिफरेंट शॉप्स में जाके भी दिखाएंगे कि ग्रोसरीज जो है और जो बाकी सारी चीजें हैं जो लाइफ नेसेसिटी गुड्स होती है वो कितनी एक्सपेंसिव है। तो फिर चलें प्रशांत? चलो भाई चलो, लेट्स गो। हाय ब्रो, प्रशांत ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग अभी किसी मॉल में जाएंगे एंड मॉल का थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ क्योंकि मैंने भी आज तक कभी मॉल के अंदर प्रशांत शूट किया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि लोगों को दिखाना चाहिए कि रशिया के मॉल में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? हम लोग मॉल के अंदर घुस रहे हैं एंड क्या माहौल है मॉल का, मैं और आप प्रशांत दोनों आप लोगों को मिलकर दिखाने की कोशिश करते हैं। शॉप के अंदर आए हैं, नाम मैं भूल गया, मैं आपको नाम दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्राइस देखेंगे कि कितने कितने प्राइजेस की होती हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिल रहा है भाई 550 रुपए का, आप देख सकते हो। तो एक्सपेंसेस तो है यार, अगर आपको मैं चीज़ें बताऊं तो और भी सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखो खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, 100 से ऊपर ही सारी चीज़ें दिख रही हैं भाई, पेस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें। प्राइस देख सकते हो भाई साहब, 2000 रुपये का केक। तो ये चीज़ है प्रशांत, ये सारे कौन से सेक्शन है? ये पिकल सेक्शन है ना भाई? पिकल सेक्शन है, लेकिन अपने जैसे अपने इंडिया का जो टेस्ट होता है वो ऐसा नहीं है, लेकिन रशियन टाइप का टेस्ट, रशियन टेस्ट के अकॉर्डिंग से ये रहता है, लेकिन ठीक है ट्राई कर सकते भाई साहब। बॉटल है भाई, बॉटल देख 850 रुपए का भाई, इतना छोटा। जैसे ये है काइंड ऑफ, ये खीरे का अचार है, ये गुरित्सी है, ये खीरे का अचार है। अब मैंने टेस्ट नहीं किया है, आई होप 600 रुपए का अच्छा ही होगा, पर भाई खीरे का चार पर 600 रुपए का बॉटल है भाई। ग्लास देख सकते हो, एक एक ग्लास भाई साहब 4,500 रुपए का ग्लास है भाई। वाइन ग्लास है भाई, पर महंगे हैं यार भाई। ये देखो चीज़ सेक्शन में भी हम लोग आए हैं एंड चीज़ जो है भाई वो 1,000 रुपए की है, आप देख सकते हो भाई। चीज़ की रशिया में क्या है कि मैंने देखा है चीज़ की वेराइटीज आई थिंक अराउंड 1000 के अकॉर्डिंग वेराइटीज है चीज़ की। 1000 वेराइटीज जहाँ तक मैंने सुनी, और जैसे हम इंडिया में देखते हैं मतलब एक नॉर्मल चीज़ जो हम लोग खाते हैं वैसे चीज़ है। मैंने यहाँ पे बनाने की भी ट्राई की लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे दही जो होती है कर्ड का, थोड़ा सा कर्ड टाइप में वो दही है चीज़ खाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है। एग्जैक्टली वो मैं देख पा रहा हूँ प्रशांत, काफ़ी सारे हैं। अगर आप देखो तो आप लोग, मैं पूरा ऊपर से नीचे आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप ये देखो, एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सेक्शन पसंद नहीं करेंगे, पर मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये पूरे मीट और सॉसेजेस के सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। एंड इसके प्राइसेस भी आप देख सकते हो, यहाँ सारे प्राइसेस मेंशन है, आप देख लो। और ये भी चीज़ का सेक्शन है अगर आप देखो यहाँ पे तो। और पानी कितने का भाई? भाई पानी है ये बैकाल जो लैक है हमारी, रशिया की बैकाल लैक बहुत फेमस है, एक क्लीनेस्ट एंड डीपेस्ट लैक ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसका क्या है कि तुम्हें यहाँ जो वाइन्स हैं बियर्स हैं वो सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन पानी तुम्हें महंगा मिलेगा। वो मैं देख रहा हूँ 150 रुपए का है, ये 130 रुपए का बैकाल लेक का है। आप पता नहीं, अभी हम लोग सबसे डिमांडिंग सेक्शन के अंदर आए हैं और प्रशांत लेकर आया है मेरे को भाई यहाँ पे। और ये दारू का सेक्शन है, दारू और ये वाइन, दारू भाई सस्ते हैं यहाँ पे, मानो या ना मानो, इंडिया से मैं तो पीता नहीं, और लेकिन मैं प्रमोट करता हूँ, लेकिन दारू सस्ता है, पानी से ज्यादा सस्ता है। पानी से यहाँ पे लगेगा 40 रूबल में तुम पानी नहीं पाओगे, लेकिन तुम दारू यहाँ एग्जैक्टली पा सकते हो। जैसे ये है अपने इंडिया में 300-400 की बियर मोस्टली मिलेगी क्योंकि बहुत ब्रांडेड है, और 200 की यहाँ पे बहुत सारे दारू के सेक्शन है जो लगेगा अपने इंडिया में
मोर देन 500-600 मे भी मिलेगी ना 2000 तो exactly. यहाँ पे सस्ते हैं, सस्ते हैं। ये देखो जो इंडिया में अपन कोला 20 रुपए में पीते हैं या 50 रुपए में खरीदते हैं वो यहाँ पे लगभग 86 रूबल्स का है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल जो ब्लैक मार्केट के थ्रू जॉर्जिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वहाँ के थ्रू आता है, तो इसके वजह से यहाँ पे इसके प्राइस डबल ट्रिपल हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ चुके हैं सब्जी के सेक्शन में, और अब मैं और प्रशांत आपको दिखाएंगे कि सब्जी का क्या भाव है भाई रशिया के अंदर। भाई मैं एज अ वेजिटेरियन बताऊं तो मैं भी वेजिटेरियन साले। अरे भाई लेकिन एज अ वेजिटेरियन बताऊं तो सब्जी यहाँ पे मिल जाएगी लेकिन महंगी होती है भाई, बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठंड में और महंगा हो जाता है। ठंड में जैसे टमाटोज कहीं ले ले तो यहाँ पर 300-200 एंड ये देखो भाई फ्रूट्स देखो, मतलब ये नारंगी जो है अपना संतरा छोटा वाला वो भाई 500 रुपए का। भाई देखो ये हमारे यहाँ का लेमन है, लेमन कितने की प्राइस की है? देखो लेमन यहाँ पे रशियन में लेमन बोलते हैं 298 पर केजी। हमारे यहाँ छोटे छोटे 5-10 रुपीज का दो मिल आराम से भाई, तो हम तो फ्री में ले लेते हैं। और मैंगोज का सेक्शन देखो हमारे यहाँ 30-40 रुपए पर केजी मिल जाता है, और यहाँ पे देखो 498 पर केजी। एग्जैक्टली So, like it's much more expensive income in for the, you know, वो basically area की वजह से भी हो सकता है। हाँ, area की, but, like, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ सकता है 1920 का, but, major difference नहीं आएगा, especially, vegetable section में आए हैं। और अंडा देख सकते हो 150 रुपए से स्टार्ट है, एंड इसके अंदर 10 पीसेज होती हैं, और 250 का भी है, 260 का भी है, तो हर तरीके के ऑप्शन है भाई, डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो, पर एक्सपेंसिव तो है भाई, क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में है जो 10 रुपए का अंडा भाई मिलता जैसे है। मैं शुरू में आया था तो अंडे की जो 10 पीसेज एग्स की थी वो स्टार्टिंग थी 35 स्टार्टिंग थी, बट विद द पासेस ऑफ द टाइम इट बिकेम मच मोर एक्सपेंसिव भाई। ये है सर, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं शॉप से, अब देखते हैं और क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आई होप कि जो चीजें अब तक हमने आपको दिखाई है समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशांत ये बता कि जब तू यहाँ रहता है जनरली तो चीजें क्या, मतलब रशिया का एक्सपेंसिव है या कैसा है, क्या सीन है भाई? जनरली डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टाइल पे, कैसे एक लोग लाइक नॉर्मली आप लाइफ जी सकते हैं एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ टाइप में। तो जनरली एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट इन द रशिया एंड स्पेशली लिविंग द मॉस्को पार्ट, सो इट्स गोइंग टू वैरी फ्रॉम 15K to 20K फॉर स्टूडेंट, बट इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली इट इज गोइंग टू वैरी फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली 50K to 70, जनरली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, हाउ डू यू वांट एग्जैक्टली। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात से, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो 15,000-20,000 के बीच में आपका मंथली गुजारा हो सकता है, और अगर आप फैमिली लेके आते हो तो भाई वो तो अनलिमिटेड है ना, मतलब आप किस तरीके से लाइफ स्टाइल अपना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। पुलिस की सबकी गाड़ी लगी हुई है आप देख सकते हो, और चारों तरफ अगर आप देखो ना तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग भाई साहब, लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एंड काफ़ी प्यारी बिल्डिंग्स आप देख सकते हो दूर दूर तक, ये देखो पूरा काफ़ी सुंदर सा माहौल। भाई यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है रशिया में, ऐसे दुनिया के बहुत सारे कोने में, इंडिया में भी है, जैसे मुंबई में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, दुबई में है, यूएस में है, बहुत सारी कंट्री यूके में है, तो ऐसे रशिया का भी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इसका मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब कि यहाँ पे दुनिया भर के जो व्यापार होते हैं, जैसे रशिया के व्यापार, रशिया इंडिया के व्यापार, मतलब जो भी दुनिया भर के जो व्यापार होते हैं इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बड़ी आइकॉनिक जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें मिलियनर बिलियनर्स डिफरेंट टाइप की डील्स, इंडिया की भी बहुत सारी डील होती है, तो यहाँ पे डील होती रहती है। हम लोग अभी ट्रेड सेंटर में, और गाड़ियाँ देखो भाई एक से एक गाड़ी, लोग यहाँ पे गाड़ियों के शौकीन हैं। ये देखो होंडा की भाई अतरंगी गाड़ी मैंने नहीं देखा भाई, एक से एक गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। BMW लगी हुई है, और काफी तगड़ा सा माहौल सेट हो रखा है भाई, तो कुछ ऐसा है भाई देख के तो लग रहा है कि भाई काफी ज्यादा रशिया एक्सपेंसिव तो है भाई। प्रशांत क्या बोलो, और भाई ये गाड़ी देखो, हैरी डेविडसन देख भाई, एटलीस्ट मिनिमम 20 लाख से आता, 20 काफी चलते चलते और हम लोग क्या कर सकते हैं ये बता भाई, अभी घूम सकते हैं, अभी नाइट होगा तो काफी अच्छा प्यारा लगता है। वाटरशिप का क्या बोलता है भाई उसका? मैंने वाटर मेट्रो होपफुली वो करते हैं, ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ बोट राइड करने के लिए,
जो आपको दिखाना था। और क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा प्यारा व्यू आता है, तो चलिए फिर आगे एंजॉय करते हैं जो हमारा बोट राइड होने वाला है और हर एक चीज़ आप अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। और मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर अभी पैक्ड है ना, तो मेरी आवाज़ गूंजेगी तो मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और ये देखो दूसरे एंड का व्यू यहाँ पे है ऐसा, एंड अगर अब उधर जाके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा सा सीन है। और अभी हमारी शिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अपन जा रहे हैं और कहाँ हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है ये हमारे को भी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर आवर डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी, सो जस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग, दैट्स इट, वी केम हियर ओनली फॉर द एक्सप्लोरेशन, वी आर डूइंग दैट। सो देखते हैं फिर अभी अपन आगे कहाँ जाते हैं, राइट? या ये दूसरी शिप जा रही है एंड काफी बड़ी है। काफ़ी स्पेसी एरिया यहाँ दिया हुआ है अगर आप देखो तो, एंड यहाँ पे मैप दिया हुआ है जहाँ अपन जाएंगे अभी। ये देखो पूरा मैप दिया हुआ है, एंड अपन अभी यहाँ से निकले हैं इस स्टॉप से और यहाँ से अभी होते हुए अपन यहाँ तक जाएंगे। और ये स्पेस एरिया सेफ्टी के पर्पज़ के लिए भी दिया हुआ है। और ये देखो यार यहाँ पानी के लिए डिस्पेंसर था लेकिन पानी तो है नहीं किसी में भी, और हम लोग को इतना प्यास लगा हुआ था। मैं पिछले 2 घंटे से ब्लॉग बना रहा हूँ एंड पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और लोग यहाँ पे सिटिंग स्पेस के अंदर बैठे हुए हैं अगर आप देखो तो, और प्रशांत यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रहा है। और ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा एरिया है, एंड यहाँ जाकर फिर ये बंद हो जाता है क्योंकि इसके आगे जो है ना वो कैप्टन और उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो बैठते हैं, आप देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा सा पूरा व्यू है भाई बाहर का, एंड पहली बार मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रूबल्स था। अगर आप मंडे छोड़कर बाकी दिन आते हो ना तो वो आपको 350 का कॉस्ट करता है, लेकिन मंडे को स्पेशली ये डिस्काउंट देते हैं जो कि आपका 200 के अंदर हो जाता है, तो वो डिस्काउंट सबके लिए होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो अब अपन को ट्रैवल करते करते पूरा अभी रात हो गया, रात के 10 बज रहे हैं, और ये देखो पूरा ये जो एरिया है ना पूरा एरिया शिप से भरा हुआ है, एंड आई थिंक ये डॉक यार्ड से जिस साइड से हम लोग जा रहे हैं। और आप देखो दूर दूर तक वहाँ पे पुलिस की भी डॉक यार्ड लगी हुई है, पुलिस से इस पर लिखा हुआ है, आई डोंट नो इस पर क्लियर है कि नहीं, पर आप ये देखो मतलब पूरा एकदम तगड़ा ही लग रहा है भाई, पूरा ये डॉक यार्ड है। और वो देखो डॉक यार्ड जो है वहाँ पे अगर आपको फिंगर मेरा दिख रहा हो तो ये है पूरा, और इसी में यहाँ पे शिप आकर लगती है। आप अगर देख भी पा रहे हो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और अभी अंदर का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है, अंधेरा हो रखा है पूरा, एंड हम लोग वेट कर रहे हैं अभी अपना स्टॉप आने का, अभी भी नहीं आया है। अपन बाहर निकल चुके हैं, अपना शिप का ट्रिप खत्म हो गया, अब अपन चल रहे हैं आगे। प्रशांत यहाँ पे बेचारा ऑलरेडी थक गया है, बहुत हाथ में सामान लेके जा रहा है इतना सारा, भाई भूख लग गई क्योंकि ऊपर से थक भी गया, क्योंकि भूख लगी है। तो यही कुछ था यार वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।